नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, 3 की हुई मौत। अवैध निर्माण पर नगर निगम का चला बुलडोजर, जाम की समस्या से लोगों को मिलेगा छुटकारा। बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में आईएमए के डॉक्टर रहे हड़ताल पर, ओपीडी सेवा रही बाधित। प्रधान सचिव के संभावित दौरे को लेकर बांका डीएम कुंदन कुमार ने चानन प्रखंड के कई गांवों का किया निरीक्षण। और कबीर जयंती को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों सड़क हादसों में लगातार वृद्धि हो रही है और हादसों का शिकार होकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सोमवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवे के चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और मुख्य सड़क मार्ग को घंटों जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। दरअसल बाइक सवार पति पत्नी और पुत्र अपने रिश्तेदार के घर पीरपैती के लाल बथानी जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार हाईवे ने बाइक को ठोकर मार दी, जिसमें बाइक पर 3 लोग ट्रक के पिछले पहिए के चपेट में आ गए और तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान झारखंड के कजरेल गांव निवासी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। भागलपुर में अवैध निर्माण और प्रतिदिन लगने वाले जाम को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सोमवार को नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता तिलका मांझी चौक पहुंचा और अवैध रूप से निर्मित दुकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। हालांकि इसके पूर्व अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर पिछले कई दिनों से निगम प्रशासन माइकिंग कर रहा था। तिलका मांझी चौक, मनाली चौक, कचहरी चौक और भीखनपुर इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभियान के दौरान कई लोगों ने अपने सामानों को स्वयं हटा लिया तो कई जगहों पर निगम कर्मियों को बुलडोजर चलाना पड़ा। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान में निगम के जोनल प्रभारी और सिटी मैनेजर रवीश कुमार ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण करने पर दंडित करने की बात कही। इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल कर्मियों और अधिकारियों की सुस्त चाल के कारण पुलिस कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। बंगाल के NRS मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में IMA के डॉक्टरों ने सोमवार को OPD सेवा ठप कर दी। इसके पूर्व 14 जून को जूनियर डॉक्टरों ने भी देश भर में विरोध प्रदर्शन करते हुए OPD विभाग को बंद कर दिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल को देखते हुए डॉक्टरों ने 24 घंटे तक OPD सेवा बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं IMA के फैसले के बाद सभी निजी नर्सिंग होम एवं क्लिनिक बंद रहे और कई संगठनों ने इसका समर्थन किया। भागलपुर के JLNMCH में OPD सेवा ठप रहने से मरीजों को काफी परेशानी हुई और दूर दराज से इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजन दिन भर हड़ताल के कारण इधर उधर भटकते रहे। जबकि मायागंज अस्पताल की इमरजेंसी एवं अन्य सेवाएं चालू रही, डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते रहे। साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल ने घूम घूम कर इमरजेंसी सेवा का जायजा लिया। इसके बाद अधीक्षक ने कहा कि बंदी का इमरजेंसी सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। सिर्फ OPD की सेवाएं बंद है, बाकी सभी सेवाएं चालू है। अभी भी इमरजेंसी में ऑपरेशन हो रहा है, वार्ड में सभी पेशेंट को देखा जा रहा है, OPD खुला हुआ है। लू की भी अभी तक कोई घटना, हम लोग वॉचफुल हैं, अगर पैसा आता है तो उसके लिए तैयार है। डॉक्टर सबसे हमारी बात हो चुकी है, मेडिसिन विभाग के सभी डॉक्टर तैयार हैं उसके लिए। हम लोग सारे मेडिकोज और डॉक्टर्स आज एक स्ट्रिक्ट सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं ताकि हम लोग एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में समाज की सेवा कर सके। आज के समाज में ऐसा है कि अगर हम लोग चाहकर भी किसी मरीज की देखभाल करते हैं, जिसमें कि आज डॉक्टर्स की काफ़ी अभाव है, वहाँ पे पेशेंट का ओवरलोड होता है, इसमें अगर हम लोग चाहकर भी अगर किसी मरीज़ की जान बचाना चाहते हैं तो अगर हम लोग उस टाइम में सबको देखना होता है। अगर किसी एक की का खुद से भी लापरवाही से उसकी जान जाती है, उसमें पूरे डॉक्टर्स को बदनाम कर दिया जाता है। OPD में इसलिए बंद किया गया क्योंकि आप बंगाल में जिस तरह खबर आप सुने, जिस तरह डॉक्टर्स के साथ उन्होंने व्यवहार किया, मार दिया, किसी को मारा जाता है, कहीं कोई और स्टेट में किसी के साथ दंगल किया जाता है,
डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं क्योंकि पेशेंट को बचा सकें, पेशेंट को किसी बीमारी से चाहे किसी वजह से उसको देखभाल किया जा सकता है। अपना ज़िंदगी पूरा कुर्बान करते हैं पेशेंट के लिए, और इस तरह अगर पेशेंट काम करेंगे कि मतलब अटैक करेंगे डॉक्टर्स पे या स्टूडेंट पे, जो कि अभी हम लोग उसके लायक भी नहीं बने, मतलब उस पर अटैक क्यों करते हैं? अगर वो अटैक करते रहेंगे तो हम लोग कभी चाहकर भी सेफ नहीं फील कर पाएंगे। अगर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के संभावित दौरे को लेकर बांका डीएम कुंदन कुमार चांदन प्रखंड के धावा गांव पहुंचे, जहां डीएम ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। डीएम ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में मुख्य रूप से शौचालय निर्माण, मुख्यमंत्री नल जल योजना, आंगनबाड़ी के रखरखाव, बिजली एवं सोखता निर्माण कार्य को देखा और कार्य की धीमी गति पर अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान गाँव के सभी घरों में बिजली का कनेक्शन करने, सड़क किनारे साफ सफाई करने एवं शौचालय निर्माण कार्य पूरा करने के साथ तमाम विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सोखता निर्माण एवं सड़क पर पाइपलाइन बिछाने के लिए किए गए गड्ढों को देखकर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और अविलंब गड्ढों को भरने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव के दौरे को लेकर हेलीपैड निर्माण के लिए स्थल का चयन किया गया। इस मौके पर डीडीसी अभिलाषा कुमारी शर्मा, एडीएम जयशंकर प्रसाद, कोषागार पदाधिकारी नवल किशोर यादव, एसडीओ मनोज चौधरी के अलावा सीईओ, बीडीओ, डीपीआरओ समेत कई पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भागलपुर के आसानंदपुर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में कबीर जयंती को लेकर कबीर के लोक संस्था की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में संत कबीर को नमन करते हुए संस्था के विनोद सिन्हा और इकबाल अंसारी ने कहा कि संत कबीर ने दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दिया है और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही कहा कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से होना चाहिए और लोगों को आपसी विवाद से बचने की ज़रूरत है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने कहा कि संत कबीर ने धार्मिक एवं सामाजिक विवाद से बचने का संदेश दिया है, जिससे किसी के मन में कोई भेदभाव ना रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों तक पहुँचाने और सबको रक्तदान के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। विचार गोष्ठी में अभय वर्मन, प्रदीप जैन समेत काफ़ी लोग मौजूद थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। बांका कटोरिया के कठौन में बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण समारोह पूर्वक किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर विलक्षण रविदास समेत कई अतिथियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया। डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण होना शुभ है और बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर जन जागरण एवं सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। इससे पूर्व मंच के द्वारा सामाजिक परिवर्तन रैली भी निकाली गई, जिसमें मंच के सदस्यों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। रैली में समाज के लोगों से बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की अपील करते हुए नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर राधेश्याम, आस मोहम्मद अंसारी, महेंद्र रोशन, मन्नू पासवान समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
नाथनगर के वार्ड संख्या 2 स्थित अबीर मिश्रा लेन और नाजिर मोमिन लेन में लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं किया जा सका है। विगत 5 दिनों से मोहल्ले के दर्जनों घरों के सप्लाई वाटर का कनेक्शन यह कहकर काट दिया गया है कि अब लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए चाबी लगाया जाएगा, जिससे सभी घरों में बारी बारी से पानी मिल सके। लेकिन कार्य के नाम पर केवल स्थानीय लोगों के बीच एक गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। इससे स्थानीय लोगों के साथ आवागमन करने वाले सभी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसको लेकर राजीव कुमार, मोहम्मद आमिर समेत कई लोगों ने कहा कि पार्षद भी जनता की समस्या के प्रति उदासीन है और समस्या के समाधान के नाम पर टाल मटोल करते रहते हैं और भीषण गर्मी में जल संकट से जीना मुहाल हो गया है। हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रही है और हमने सप्लाई वाटर का कनेक्शन लिया तो कौन अज्ञात लोगों ने काट दिया मेरा कनेक्शन। इससे उनको पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। महीना से सब आदमी परेशान है, एक भी कतरा पानी नहीं मिल रहा और एक हफ्ता से अभी हम लोग नहाए नहीं और लाइन लग के बोरिंग का पानी इधर उधर से हम लोग को लाना पड़ता है। गर्मी का कहर लगातार जारी है और हीट वेव से भागलपुर समेत आसपास के कई जिलों में लोग लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। गर्मी से सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और जो निकल रहे हैं उन्हें भी तेज धूप की तपिश लगातार सता रही है। गर्म हवाओं के कारण दोपहर में जहां बाजारों में दुकानों के बाहर ताला लटका दिखा, वहीं आवश्यक कार्य एवं रोजी रोटी के लिए निकलने वाले लोग शरीर को कपड़े से ढक कर निकल रहे हैं। कई जगहों पर सड़क सूनी दिखाई दे रही है, जबकि लोग मानसून के इंतजार में आसमान की ओर निगाहें जमाए हुए हैं। वहीं तेज धूप और लू से बचाव को लेकर भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरीय फिजिशियन डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि लू लगे व्यक्ति को फौरन गीले ठंडे कपड़े से पोंछना चाहिए और चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। पिछले 3 दिनों से जो वातावरण काफी गर्म हो गया है, लू चल रही है, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए हैं, क्लिनिक में भी जो है मरीज की संख्या घट गई है इस लू के कारण से। काफ़ी लोग इवन हम लोग भी जो है डर से ये निकल रहे हैं कि बाहर में जो लगता है कि आग का गोला जो है शरीर को स्पर्श कर रहा है, तो ये भयावह स्थिति है टेम्परेचर का। और लू लगने से कहीं किसी शहर में जो है रिपोर्ट्स आया कि 60 मरीज मर गए, 60 लोग मर गए, तो इससे बचने के लिए एक तो है कि हम लोग पानी का प्रयोग खूब करें, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं और चूंकि पसीने से जो लवण युक्त नमक युक्त जो है पसीना बहता है, नमक की कमी हो जाती है, तो इसके लिए जब भी हम लोग पेय का करीब प्रयोग करें उसमें नमक निश्चित रूप से डालें, क्योंकि सिर्फ पानी पीने से हमारे शरीर का जो जल की कमी है वह पूरी नहीं होगी, तो भरपूर मात्रा में पानी पी करके ही बाहर निकलें। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को 22 जून तक बंद रखने का निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जारी किया गया है। भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी स्कूलों में पठन पाठन का कार्य स्थगित रखने का आदेश दिया। डीएम ने कहा कि भीषण गर्मी और लू को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे बच्चों के सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। भागलपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से मुगलसराय के लिए रवाना हुए मुकेश शर्मा 8 दिन बीत जाने के बाद भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए हैं। पुत्र की बरामदगी को लेकर ओम प्रकाश शर्मा ने जीआरपी थाने में आवेदन देकर सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि 9 जून को मुकेश अपने ससुराल मुगलसराय जाने के लिए विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुआ, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वह मुगलसराय नहीं पहुंचा, जिसको लेकर परिजन काफी परेशान है। परिजनों के अनुसार मुकेश की काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई पता अब तक नहीं चल पाया है। वहीं उसका मोबाइल भी 9 जून से ही बंद है। सर, 9 तारीख को मेरे भाई साहब जो है, मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर मुकेश शर्मा जी जो है, 9 तारीख को विक्रमशिला एक्सप्रेस से बनारस की ओर जा रहे थे अपने ससुराल में, और 9 तारीख को सुबह 10 बजे हमारे घर से निकले हैं और विक्रमशिला एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए। उसके बाद से उनकी कोई भी प्रकार की खबर नहीं मिली। जीआरपी थाना भागलपुर और मतलब बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास में गया, लेकिन मुझे वहाँ से ज़रा सा भी कोई रिस्पॉन्स किसी से भी नहीं मिला अभी तक। और इस 10 दिन के अंदर उनको रेल के द्वारा इंक्वायरी कोई भी प्रकार की नहीं की जा सकी।
ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भागलपुर रेल का या हमारे हिंदुस्तान की रेल का कि एक आदमी मिस हो गया है, उनका इतना बड़ा नेटवर्क है और हम उस आदमी को खोज नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास किया है, मैंने बहुत सारे ट्विटर किए हैं, बहुत सारी व्हाट्सएप पे मैसेजिंग किए हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया का मैंने हेल्प लिया, लेकिन उससे भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। और भागलपुर के जो भी हैं पदाधिकारीगण, उनसे भी कहीं से भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिल पाया। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। बाबा बासुकीनाथ सेवा संघ की ओर से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को लेकर झारखंड फौजदारी बाबा बासुकीनाथ का भव्य रुद्राभिषेक किया गया। संघ की ओर से मुख्य यजमान दीपक शर्मा एवं गुंजन देवी ने बाबा बासुकीनाथ का अभिषेक 101 गैलन गंगा जल से किया, जबकि इस दौरान बब्बू, आशीष, नंदू और गुड्डू समेत कई भक्तों ने बाबा बासुकीनाथ का अभिषेक किया। इसके अलावा संघ द्वारा भगवान भोलेनाथ को 56 भोग लगाकर नृत्य, नाटिका एवं भंडारा का भी आयोजन किया गया। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, 3 की हुई मौत। अवैध निर्माण पर नगर निगम का चला बुलडोजर, जाम की समस्या से लोगों को मिलेगा छुटकारा। बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में आईएमए के डॉक्टर रहे हड़ताल पर, ओपीडी सेवा रही बाधित। प्रधान सचिव के संभावित दौरे को लेकर बांका डीएम कुंदन कुमार ने चानन प्रखंड के कई गांवों का किया निरीक्षण। और कबीर जयंती को लेकर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।